भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979489821। विक्रमशिला सेतु व सेतु पथ एवं NH 31 पर जाम रहा वन वे परिचालन। विक्रमशिला सेतु व पहुंच पथ के अलावे NH 31 पर भी शनिवार को जाम की स्थिति बनी रही। शनिवार की सुबह सेतु एवं पहुंच पथ पर भीषण जाम लगा हुआ था। पुल व पहुंच पथ पर जाम की स्थिति होने के कारण सैकड़ों स्कूली वाहनों के साथ साथ सैकड़ों सवारी वाहन जाम में फंसी हुई थी। पहुंच पथ के ब्रांच सड़कों से होकर हो रहा था। नौगछिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय इत्यादि जगहों को जाने वाले ऑटो एवं बस का परिचालन जाह्नवी चौक से तितरी होकर हो रहा था। खगड़िया बेगूसराय जाने वाली बस एवं ऑटो तितरी 0 माइल से थाना बीरपुर जाने वाली 14 नंबर सड़क से आ जा रही थी। सवारी वाहनों के अत्यधिक परिचालन उक्त सड़क से होने के कारण पांच सड़कों पर भी रुक रुक कर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। नौगछिया में सामाजिक संस्था सेवार्थ ने नौगछिया स्टेशन पर लगाया रोटी बैंक। मौके पर नौगछिया SDO ने कहा, मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। नौगछिया की सामाजिक संस्था सेवार्थ ने शनिवार को नौगछिया स्टेशन पर रोटी बैंक नामक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नौगछिया के SDO मुकेश कुमार ने नेतृत्व किया। कार्यक्रम में सैकड़ों भूखे एवं जरूरतमंद लोगों के बीच शुद्ध भोजन का वितरण किया गया। लोगों के बीच पूरी, सब्जी, पुलाव, तड़का और मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। मौके पर उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह के कार्यक्रम में सघनता लानी चाहिए, ताकि नौगछिया आने जाने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति शुद्ध भोजन कर सके। उन्होंने सेवार्थ के युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि नवगछिया के युवाओं की सोच दूसरे जगहों के युवाओं को प्रेरित करने वाला है। मौके पर सेवार्थ के संयोजक पंकज कुमार भारती ने कहा कि रोटी बैंक कार्यक्रम का शनिवार को 11वां पड़ाव था। वे लोग संस्था के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में सघनता लाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सबों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से आए दिन इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर RFEF के इंस्पेक्टर PS दुबे, समाज सेवी पवन सराफ, कार्यक्रम में बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष ससेवार के संयोजक पंकज कुमार भारती, बाल भारती के प्रशासक DP सिंह, अखिल भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय मंत्री निरंजन शाह, सेवार्थ के सचिव डॉक्टर अनंत विक्रम पुरुषोत्तम कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया आंगनवाड़ी के बच्चों को बांटी कई तरह की सामग्री। नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी के छोटे पुत्र रेयार्थ के तीसरे जन्मदिन के अवसर पर बाबा गणिनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में नौगछिया के मिल्की गांव के वार्ड संख्या 8 के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 29 पर बच्चों के बीच जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर किया गया। नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यक्रम में 100 परिवार मौजूद थे। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने पौधारोपण भी किया। मौके पर नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बच्चों के बीच टॉफी, आइसक्रीम, स्कूल बैग, खिलौने आदि का वितरण किया। कार्यक्रम में बाबा गणिनाथ सेवा समिति के पंकज कुमार भारती, निरंजन शाह, शंकर शाह, विष्णु गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, विशाल गुप्ता, ताइक्वांडो संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद, बाल विकास पदाधिकारी रश्मि रमन, निहारिका कुमारी, वार्ड पार्षद अरविंद शाह, सेविका सरिता देवी, सहायिका सुलोचना देवी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी। नवगछिया राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के 444, मोटर दुर्घटना के 5, BSNL के 41 एवं 19 आपराधिक मामले का हुआ निष्पादन। नवगछिया व्यवहार न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंक के 444 मामले, मोटर दुर्घटना के 5 मामले, BSNL के 41 मामले एवं 19 आपराधिक मामलों का निष्पादन सुलह एवं समझौते के आधार पर किया गया। विभिन्न बैंक के 444 मामलों का समझौता 2,48,87,807 रुपए
में किया गया। बीएसएनएल में 41 मामलों पर 55,990 रुपए में समझौता हुआ। समझौते के बाद मौके पर ही पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया, जबकि मोटर दुर्घटना के 5 मामले का 39,50,500 में समझौता हुआ। इस दौरान 19 आपराधिक मामले का भी निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यवहार न्यायालय में 5 बेंच बनाए गए थे। नवगछिया में भागवत कथा की तैयारी अंतिम चरण में केशवाचार्य जी महाराज का नवगछिया स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। नवगछिया में 16 दिसंबर से शुरू हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में है। शुक्रवार को कथा मुख्य प्रवचनकर्ता वाराणसी से संत श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य बाल स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज नवगछिया पहुंच चुके हैं। केशवाचार्य जी महाराज का नवगछिया स्टेशन पर श्री वैष्णव भागवत समिति एवं भक्त जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आयोजन मंडल से मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को कलश शोभा यात्रा, 17 दिसंबर को शती चरित्र धूप चरित्र का विराट दर्शन, 18 दिसंबर को प्रहलाद चरित्र नरसिंह अवतार, 19 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव वामन अवतार, 20 दिसंबर को गोवर्धन लीला, 56 भोग होली उत्सव, 21 दिसंबर को रुक्मिणी विवाह, 22 दिसंबर को सुदामा चरित्र कथा विराम एवं हवन पाठ का आयोजन किया जाना है। आयोजन नवगछिया के श्री गोपाल गौशाला में किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर आयोजन मंडल के सदस्यों ने शुक्रवार एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि यज्ञ के लिए कलश यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकाली जाएगी। यज्ञ में नवगछिया शहर के प्रबुद्ध जनों के अलावा मुख्य यजमान दयाराम चौधरी, कृष्ण कुमार चिरानिया, विकास चौधरी, प्रवीण केजरीवाल, सजन शर्मा, मनोज चौधरी, राकेश चौधरी, सत्येंद्र नारायण चौधरी, कौशल, प्रवीण भगत, विनोद केजरीवाल, प्रभात झा, सुहास चंद्र वर्मा, पंडित ललित सहित अन्य की भागीदारी है। एक राजा ध्रुव जो समस्त वैभवों का परित्याग करके श्री हरि से मिलन की कोशिश करते हैं, जो अपने 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान की प्राप्ति किया था। तीसरे दिन भगवान नरसिंह का अवतार का विवेचन होगा कि प्रहलाद अपने पिता, लोग कहते हैं कि पिता का मारने वाला सबसे बड़ा हत्यारा का रहा था, जाके प्रिय नाम वेदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, आपका परम स्नेही क्यों नहीं रहे, अपना आत्मा जी क्यों नहीं रहे, लेकिन वो समाज के विपरीत दिशाओं की धाराओं में अगर हमको बहकाता है, ले जाता है, तो ऐसे आदमी का परित्याग कर देना चाहिए और उस त्याग में कोई पाप नहीं लग सकता है। यह नरसिंह भगवान के अवतार में प्रहलाद जी का सबसे बड़ा चरित्र है। चौथे दिन भगवान का कृष्णा रामावतार कृष्णावतार का जन्म का महोत्सव का विवेचन होगा। पांचवें दिन जब भगवान के गोवर्धन लीला का विवेचन है। छठवें दिन रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह का विवेचन करते हैं। और अंतिम दिन जो है देखी सुदामा की दीन दशा, कृपा कर कृपा निधि रोए, एक भक्त भगवंत का मिलन की कहानी, जो एक गरीब है एक राजाधिराज है, कैसे गरीब का चरण भगवान श्री कृष्ण धोते हैं और समाज को क्या संदेश देके जाते हैं, ये अंतिम दिन के चरण सोपान में है। यही मेरे श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा संदेश है। और मैं कहूँगा कि जो भी जहाँ भी हों इस क्षेत्र में, मैं अधिकार पूर्वक, क्योंकि मैं यहाँ का जन्म लेने वाला एक बालक हूँ, और अधिकार पूर्वक कहता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों से आवें और श्रीमद् भागवत की कथा का संपूर्ण शुभ लाभ अपने आप उठता। ठीक उसी तरह से नवगछिया के अंदर में जो कुछ लोग तुलसी थे चले गए, जैसे हमारे देवी बाबू थे, रुमटा जी थे, नंदलाल जी थे, कुछ नाम ऐसे थे, इन लोगों ने समय में कहा स्वामी जी आप आओ, हम 108 रामायण करें, 108 रामायण करेंगे। बनारस से पंडित लोग आए 108 रामायण, और उसमें प्रेमाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे हमारे देश के अंदर में, दिल्ली के शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य करके वो भी आए थे, 9 दिन का कार्यक्रम। तो हमको आज ये लगा कि पौधे समाप्त हो सकते हैं लेकिन पौधा पौधा छोड़ के जाता है, तो ये लोग सब जितने उन्हीं लोग खानदान के हैं, और पौधा एक तुलसी के मंजरी ने इतने पौधा तैयार किया। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा
बेटो हम हमारा कार्यक्रम था इंदौर के पास में, ये लोग आए थे कि स्वामी जी बहुत दिन हो गया, चलिए भागवत करें। तो हमारा एक प्राण है, मैं अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं छोड़ता। अब जन्मभूमि का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ नौगछिया है, मतलब भागलपुर जिला के अंतर्गत में मैं एक भागवत हर साल करता हूँ फागुन के महीने में। गंगा के उस पार तो सोच लीजिए कि एक तरह से मेरी प्रसिद्धि हो गई है भंडारा वाला बाबा जी के नाम से। वो 30,000 आदमी आवे, 40,000 आदमी आ, सब भोजन करो, सब कथा सुनो। और वहाँ हमारा यही चीज़ रहता कि आने वाले का सेवा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ईश्वर ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि हमको उसको संभालना ही मुश्किल पड़ता है। मैं क्यों धन के पीछे को जन के पीछे छोड़ दौड़ो, धन के पीछे मत दौड़ो, जन रहेगा तो धन स्वतः बन जाएगा। और श्रीमद् भागवत हमारे समाज का एक इतना बड़ा संदेश वाहिनी गंगा है, संदेश वाहिनी गंगा है। गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष होता है, श्रीमद् भागवत के एक शब्द की गंगा में अवधारण करने से ही मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि इसमें कृष्ण भक्त और भगवान तीनों की कथाएं हैं। और मैं तो आप पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार तो संसार में दो ही पैदा हुए, एक हनुमंत लला और दूसरा सुपर्णरेखा। एक सुपर्णरेखा ऐसा पत्रकारिता किया कि भाई के दिल में आग लगाकर गलत राह पर पहुँचा दिया। हनुमंत लाल जी कैसे पत्रकार थे जो सीता का खोज करके और राम तक कथा सुनाते हैं। तो पत्रकारिता भी जीवन में दो तरह की शैलियाँ होती हैं, कथावाचक के भी दो तरह की शैलियाँ होती हैं, और समाज में भी दो तरह के इंसान पैदा होते हैं। इसलिए जो है हम सबसे आग्रह करेंगे इस भागवत के अंदर में कि भैया जिस मिट्टी में जन्म लिए हो, अगर ये मिट्टी को बर्बाद कर दोगे तो हम लोग स्वयं खत्म हो जाएंगे। इसलिए गंगा और कोसी का ये जो मिलन है, दोनों मिले ही तो है, गंगा और कोसी का जो मिलन है, एक आती है नेपाल से और एक आती है हिमालय से, या दोनों हिमालय, ये मत सोच लेना कि अलग अलग है। एक हिमालय नेपाल से और एक हिमालय हमारा इंडिया का जो है उत्तराखंड से, तो दोनों हिमालय से निकलती है और एक जगह यहाँ पर हमारे यहाँ मिलती है, कुर्सेला के पास है। अब देखो योग है, और दोनों के बीच में जो हम लोग हैं, तो हम लोग क्या उन देवताओं से क्या कम है क्या? वो 33 करोड़ देवता से भी हम सब भाग्यशाली हैं। इंद्र ने भी कहा था अगर मेरा कभी जन्म हो तो इस अंग देश में एक बार जन्म हो। नवगछिया बीएड अर्जुन कॉलेज पर बिजली चोरी का केस दर्ज। रंगरा प्रखंड स्थित बीएड अर्जुन कॉलेज पर बिजली विभाग के कनीय अभियंता राहुल कुमार ने बिजली चोरी करने की प्राथमिकी रंगरा ओपी में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कनीय अभियंता ने बिजली की चोरी कर विभाग को 1,39,000 की क्षति होने की बात बताई है। कनीय अभियंता राहुल कुमार ने बताया कि कॉलेज में घरेलू बिजली कनेक्शन लिया गया था, घरेलू बिजली कनेक्शन लेकर बिजली का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही घरेलू कनेक्शन का जहां मीटर लगा हुआ था, मीटर के बाहर से अलग से तार जोड़कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। रंगरा उप प्रभारी राजकुमार सिंह ने कहा कि बिजली विभाग के कनीय अभियंता के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0473-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात, सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम
मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9661904817 79942 499 821। नगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 9796611005 8292941326। नगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम वर्ल्ड जिम स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के समीप नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम पूर्णतया वातानुकूलित। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय मोटापा, हाई लो बीपी, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाए। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम नवगछिया स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929 9031769629 799224555 बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586 8495586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571743094 8779221002। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। नवगछिया मड़वा के महादलित परिवारों के साथ शादी समारोह के दौरान अभद्र व्यवहार, हुई मारपीट। बीपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के वार्ड संख्या 12 के महादलित परिवार की महिलाओं के साथ शादी समारोह के दौरान विधान करने जाने के क्रम में गांव के ही मनचले युवक के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संदर्भ में पीड़ित महादलित परिवार के सदस्यों ने नवगछिया SC/ST थाने में घटना के संदर्भ में आवेदन दिया है। पीड़ित महिला धामनी देवी, दुलारी देवी, मुसरनी देवी, उगा देवी, रिंकू कुमारी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि 12 दिसंबर को गांव के कैलाश रविदास के धर्मेंद्र रविदास की शादी थी। शादी को लेकर हम लोग बैंड बाजे के साथ गांव स्थित भोला बाबा के मंदिर प्रणाम करने के लिए जा रहे थे। मंदिर जाने के क्रम में चंदन चौधरी पिता चरित्र चौधरी हम लोगों के बीच घुसकर अश्लील डांस करने लगा। इस दौरान उन्होंने हम लोगों के साथ छेड़खानी भी की, जिसका विरोध करने पर मारपीट करने लगा। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल से 3 लड़का आया और हम लोगों को 3 नट से गोली मारने का भी प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने 2 अलग-अलग जगहों पर हम लोगों का रास्ता रोकने का भी प्रयास किया। घटना की जानकारी जब हम लोगों द्वारा सरपंच को दी गई तो चंदन कुमार एवं उसके पिता के द्वारा हम लोगों को जाति सूचक गाली देते हुए धमकी दे रहे हैं। वहीं SC/ST थाने के प्रभारी सुदर्शन राम ने कहा कि मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नवगछिया खरीक में 219 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। खरीक थाना क्षेत्र के 219 लीटर शराब का विधिवत
विकरण किया गया। इस आशय की सूचना खरीक पुलिस ने दी। तुलसीपुर पैक्स चुनाव में उमेश यादव विजय घोषित। खरीक प्रखंड के तुलसीपुर एवं सिंहकुंड पैक्स के चुनाव परिणाम घोषणा कर दी गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए निर्वाचित पदाधिकारी सह खरीक वीडियो सुधीर कुमार ने बताया कि तुलसीपुर पैक्स से उमेश प्रसाद यादव 692 मत पाकर विजयी घोषित हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रत्याशी रवि राज को 287 मत मिले हैं। वहीं सिंहकुंड पैक्स से प्रदीप कुमार पैक्स अध्यक्ष के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। प्रदीप ने अपने निकटतम प्रत्याशी मोहम्मद अंसार को हराकर अपनी शानदार जीत दर्ज की है। विजयी घोषित होने के बाद शुभचिंतकों ने निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष उमेश यादव और प्रदीप कुमार को पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत के लिए शुभकामनाएं दी है।